फ्रेंड्स, हम लोग जैसा कि प्रैक्टिस सेट चालू कर चुके थे, अब हम लोग देखेंगे ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। द बॉय बीच स्टोल द मनी बाज काट बाय द पुलिस। यहाँ पर देख रहे हैं बीच जो है इसके लिए बॉय के लिए है, बीच निजी वस्तुओं के लिए आता है, ठीक है। बीच जो है निजी वस्तुओं के लिए आता है। वेदर चूज जब करना, वेदर जब आर आया तो वेदर आता है, ठीक है। यहाँ पर बीच दिया है ये कि जो कि गलत है, यहाँ पर द बॉय बीच नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये गलत है। द बॉय हु स्टोल द मनी बाज काट बाय द पुलिस, ठीक है, आगे बढ़ती है। ये बर्ड जैसा कि आप देख पा रहे हो, परमिट मैंने क्या होता है, रोकना होता है कि नहीं। कंस्ट्रक्ट मैंने क्या होता है, बनाना होता है। अलाउ मैंने क्या होता है, परमिट। अवर्ट मैंने क्या होता है, टालना, ठीक है। प्रोवोक मैंने क्या होता है, उकसाना। तो परमिट मैंने रोकना, अलाउ मैंने परमिट, अलाउ मैंने आज्ञा देना, तो परमिट का अलाउ हो जाएगा, सॉरी परमिट का अलाउ हो जाएगा, ठीक है। सिनोनिम्स है, सॉरी सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पर सिनोनिम्स हो जाएगा, मैंने एंटोनिम्स बता दिया है, तो आप लोग देख लेंगे। ये प्रिवेंट है, प्रिवेंट का सिनोनिम्स होता है अवर्टेड, मैंने टालना, ठीक है। तो ये आंसर है, ठीक है। अलाउ मैंने इसका उल्टा हो जाएगा, परमिट सॉरी प्रिवेंट मैंने रोकना, अवर्टेड मैंने भी रोकना होता है, ठीक है। तो ये प्रोवोक मैंने उकसाना होता है। आगे बढ़ते हैं बिना किसी टाइम के वेस्ट किए। जैसा कि फ्रेंड हम लोगों ने अभी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इंसिस्ट के साथ ऑन आता है। देखो यहाँ पर सीधा दिया है, ऑन दिया है, अब यहाँ पर भरना है तो इंसिस्ट भर देंगे। ये देखिए अभी मैंने बताया था इंसिस्ट ऑन, हिंज ऑन, बेंट ऑन, लिव ऑन, तो ये ऑन आ गया यहाँ पे। अगर आपने वो चीज़ ध्यान दी होगी तो यहाँ पर बड़ी आसानी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। रिजेंबल और रिच के बाद कोई भी प्रोपोजिशन नहीं आता, यहाँ पर रिजेंबल के साथ बिद दिया हुआ है जो कि गलत है, ठीक है फ्रेंड्स। तो रिजेंबल नहीं होगा, रिजेंबल विद गलत है। तो रिजेंबल देखो यहाँ पे बाई लगाए गलत, नो इम्प्रूवमेंट गलत, रिलेटिव रिजेंबल टू लगाए गलत, रिजेंबल होगा, ठीक है। तो ये आंसर है, ठीक है। रिजेंबल के साथ कोई आता नहीं है ना, रीच और रिजेंबल के साथ कोई ये नहीं आता है प्रोपोजिशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले, देखिए ये चेक कर देता हूँ, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ब्रॉड माने क्या होता है, चौड़ा, बड़ा, बाइड, ठीक है। अब ब्रॉड का उल्टा क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स पूछा गया है। ब्रॉड का चौड़ा होता है तो क्या हो जाएगा, सकरा हो जाएगा कि नहर हो जाएगा कि नहीं। लंग माने लंबा, लार्ज माने बड़ा, बाइट माने चौड़ा होता है। अगर सिनोनिम पूछता तो ये हो जाता है बाइट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चेक कर लेते हैं हम लोग, सॉरी चेक कर लेते हैं यहाँ पर, ब्रॉड का जो है नहर हो जाएगा, आंसर देख लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि फ्रेंड आप लोग देख पा रहे होंगे, द ग्रूम, ग्रूम माने क्या होता है, दूल्हा, ग्रूम माने क्या होता है, दूल्हा, ठीक है। स्टूड माने स्टैंड, स्टैंड का स्टूड सेकंड फॉर्म है, ठीक है। बिफोर द अल्टर, ए एल टी, अल्टर माने बदलना होता है। ये एटलस जानते हो, ये जो गोल गोल टाइप में नहीं होता है जिसमें मैप होता है उसे एटलस बोलते हैं, ठीक है। तो अल्टर ये वाला सही है, लास्ट वाला, ठीक है, अल्टर, बेदी जिसे बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अल्टर चेक कर लेते हैं, देखिए आगे बढ़ लेते हैं। मोरल, मोरल डाइट गवर्न्स वंस बिहेवियर, तो उसे बोलते हैं एथिक्स, ठीक है। एथिक्स आंसर है इसका, मोरल डाइट गवर्न्स वंस बिहेवियर, तो एथिक्स बोलते हैं, ठीक है, बी आंसर है। और एटीट्यूड तो जानते ही हो। साइकोलॉजी क्या होता है, साइकोलॉजी, पी एस वाई सी एच ओ एल ओ जी, साइकोलॉजी होता है मनोविज्ञान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चेक भी कर लेते हैं साथ में, तो एटीट्यूड नहीं, एथिक्स होगा आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द टीचर कमांड, जैसा कि फ्रेंड आप लोगों ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाए होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि जो नॉट टू है, तो डू नॉट को चेंज करके नॉट टू में आता है, जहाँ पे डू नॉट या फॉरवर्ड लगा होता है। तो नॉट टू यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पे नॉट टू लगा है, तो यहाँ पे डोंट तो आएगा ना, यहाँ पे डू नॉट लिखा है। देखो यहाँ पे टीचर कमांडेड, एक सेकेंड, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे, अब सेज टू है, सेज टू अगर उसमें आता है तो वो चेंज नहीं होता, इसमें चेंज हुआ है तो ये नहीं होगा, ठीक है। तो मतलब ये कमांडेड हुआ है, ये सेज टू का टोल्ड में बदलता है, ये गलत है, ठीक है। तो ये नहीं होगा, फिर सेकेंड आंसर हो जाएगा, ठीक है, सेकेंड सही है। देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं एक बार, सेकेंड ही सही होगा, ओके। आगे बढ़ते हैं। भाई कॉमन गलती बार बार दोहराई जाती है किसी भी एग्जाम में, आप देख सकते हैं यहाँ पर। सरस्वती कॉलेज हैज मेंटेन्ड इट्स रिपुटेशन, रिपुटेशन माने क्या होता है, जो मतलब अपनी ख्याति है, जो प्रसिद्धि है, रिनोन्ड है, फेमस सिटी है, ठीक है। वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज, वन ऑफ द के साथ प्लूरल वर्ब आता है कि नहीं, तो वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेज होगा ना, कॉलेज क्यों दिया है। वन ऑफ द के साथ प्लूरल नाउन आता है, सिंगुलर वर्ब, तो कहाँ है, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेज होगा, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे गलती दी गई है, बेस्ट कॉलेज की जगह क्या हो जाएगा, कॉलेजेज, तो सॉरी
या फिर काले चीज यस डिवोर्स दिया जाएगा तो सही हो जाएगा। ये यहाँ अंदर है, ठीक है, यहाँ आगे बढ़ दे। अरे तेरी काले चीज हो जाएगा, ये कहाँ गया ये, ठीक है आगे बढ़ते हैं। ऑब्सोलेट देखो आप लोगों ने बहुत बार ये पढ़ा होगा, ऑब्सोलेट मैंने क्या होता है, जो बन जो ज़्यादा दिन यूज ना किया गया हो। प्रचलित देखो आ गया, ये कहीं बनवर्ड में आएंगे, कहीं सिनोनिम्स में आएंगे, ये चीज़ें याद करनी ही पड़ेंगी। ऑब्सोलेट OBSOLET, ऑब्सोलेट मैंने क्या होता है, अप्रचलित, तो क्या अब एंटोनिम पूछा है, उल्टा पूछा है, तो आउटडेटेड पूछता है, सिनोनिम पूछता है तो आउटडेटेड हो जाता है। रिमोट मैंने क्या होता है, दूर दराज के, रिमोट विलेज एरियाज नहीं होता, उसे रिमोट बहुत दूर गया, ठीक है। तो रिजिड मैंने क्या होता है, कठोर। रिसेंट मैंने क्या होता है, हाल ही में, तो आउटडेटेड का हो जाएगा क्या, रिसेंट बी आंसर, ठीक है। चेक कर लेते हैं हम लोग, देख लेते हैं, ठीक है आगे बढ़ते हैं। ओके फ्रेंड, जैसा कि हम लोग देख चुके हैं इस वर्ड को, ग्लोरियस, ग्लोरियस जो है एडजेक्टिव है, ठीक है। ग्लोरियस माने क्या होता है, शानदार, ठीक है। और इसका सिनोनिम पूछा है, स्प्लेंडेड माने भी शानदार होता है, मार्वलस बोल सकते हैं, इसका ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। अनयूजुअल माने क्या, अनयूजुअल माने असामान्य होता है, तो सामान्य क्या होगा, यूजुअल। इनॉर्मस क्या होता है, बताया था विशाल होता है। जेंटल का सिनोनिम होता है मीलो, याद रखना है, एम ई डब्ल एल ओ डब्लू, नेवी डबल एम में आया था ये, कितने 18 सितंबर 2019 को, ठीक है, ये मेरे एग्जाम में आया था। तो ये मीलो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे, जेंटल का मीलो होता है, ठीक है। सिनोनिम्स, और कैलस होता है इसका उल्टा, कैलस कठोर, हार्ड, कॉम्प्लेक्स, ठीक है आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए आंसर भी। बैक टू द स्क्वायर वन, बैक टू द स्क्वायर वन होता है मतलब अपनी मंजिल पे वापस आ जाना, तो कम टू द ओरिजिनल पॉइंट, आंसर बी, ठीक है, सॉरी बी, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कंपिटेंस, क्रोनोलॉजी, बर्ड देख पा रहे होंगे यहाँ पे, कंज्यूमेशन, ये बर्ड जो है गलत है, यहाँ पे डबल एम होना चाहिए, आगे बढ़ते हैं। क्रोनोलॉजी सही है, क्रोनोलॉजी जो है ये सही है, कंप्रोमाइज सही है, कंपिटेंस भी सही है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, कंज्यूमेशन प्रॉब्लम होता है, ठीक है आगे बढ़ते हैं। ग्रेड जैसा कि ब्रांड आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे ग्रेट स्ट्रांगनेस है, स्ट्रांगनेस जो है यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे ये क्या है, वैसा नाम है, अनकाउंटेबल नाम साथ आर्टिकल नहीं आता, तो ये आएगा नहीं, ये दोनों गलत, ये भी गलत, फिर क्या आ जाएगा, ग्रेट क्रेज हो जाएगा, ठीक है आगे बढ़ते हैं, ठीक है। रॉयल माने क्या होता है, शोरगुल अल्ला गुल्ला, ट्रूथफुल जानते हो। टमेरिट माने क्या होता है, इमली होती है, ठीक है। टमेरिट ट्रीजर, ये गलत स्पेलिंग है, इसकी स्पेलिंग सही होती है TREASURE, ट्रीजर माने क्या होता है, खजाना, ठीक है। और टेमेरिड माने होता है इमली, ठीक है। टर्माइल माने क्या होता है, सोरूर अल्लाह गुल्ला, नुआइज, ट्रूथफुल जानते हो, सच्चाई। यहाँ पे एक मीनिंग जरूर याद रखना है, TRULY, ट्रूली, ठीक है। ये बट एयरफोर्स में आया हुआ है, लेकिन लोग TRULY कर देते हैं, जबकि स्पेलिंग है TRULY, ठीक है। तो जो है हम लोग यहाँ पे ट्रीजर गलत है, यहाँ पे तो आगे बढ़ते हैं। द ब्यूटीफुल स्टोरी वाज रिटन बाई माया, तो ब्यूटीफुल स्टोरी बाज है, बाज से बना है, तो क्या एक्टिव बनाना है, तो देखो यहाँ पर प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस का पास्ट ना था सॉरी पास्ट इंडिफिनिट का पास्ट कंटिन्यूअस में जाता है, तो पास्ट इंडिफिनिट में ढूंढेंगे, तो ये तो है प्रेजेंट इंडिफिनिट गलत, मतलब इसी में है, गलत है ये ना, तो गलत ही है, ये भी गलत है, तो आंसर कौन सा हुआ, सी हुआ कि नहीं, आगे ठीक है। केवल सेंटेंस का याद रखेंगे हो जाते हैं सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। लिबर्टी माने क्या होता है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लिबर्टी माने क्या होता है, फ्रीडम, ठीक है। एंटोनिम पूछा गया है तो क्या हुआ, डिलीवरेंस, कनाइवेंस, डिपेंडेंस, तो भैया ये बताओ मुझे, डिपेंडेंसी हो जाएगी, फ्रीडम, तुम किसी भी मतलब तुम स्वतंत्र हो, तुम किसी पे डिपेंड हो, तो डिपेंडेंस आंसर हो जाएगा कि नहीं, आंसर आगे बढ़ते हैं। इंडिपेंडेंस तो जानते हो, इंडिपेंडेंस स्वतंत्र होता है, ठीक है। डिलीवरेंस जानते हो, डिलीवर करना किसी चीज़ को है, तो जो है यहाँ पर डिपेंडेंस आंसर हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं। ओपन रिफ्यूजल टू ओबे, तो ये बोलते हैं यहाँ पे लिखा है ओपन रिफ्यूजल, रिफ्यूजल माने होता है मना करना, रिफ्यूजल माने मना करना, तो डिफाई उसे कंप्लाइज नहीं बोलते हैं, अडियर के साथ टू आता है, हमेशा ध्यान रखना। ओबीडियंस की स्पेलिंग एक बार देख लेंगे, OBEDINC, जब भी अंदर इसका है डी,
डिफेंस मैंने मना करना होता है, ठीक है। ओपन रिफ्यूजल टू हो गया, अदर्स तो डिफेंस बोलते हैं, ठीक है। डेड हिट मैंने क्या होता है, अ कंटेस्ट डेड इन सीन टाई। देखो सही बात है, जब मतलब गेम बहुत ही ज़्यादा मतलब जो है बहुत मुकाबला, खड़ा मुकाबला होता है उसे बोलते हैं, और बाद में टाई हो जाए तो उसे बोलते हैं डेड हिट। तो क्लोज कंटेस्ट मैंने मुकाबला होता है, ठीक है। देखो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रिवरे बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। देखो आ गया ये, देखिए आप लोग खुद देखिए, ये रिवरे है, ये सीजीएल के प्रैक्टिस सेट है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। सीजीएल अगर आप लगा लेते हैं, ये दावा है मेरा कि यार इससे बाहर नहीं जाते, बहुत ही इंपॉर्टेंट मीनिंग है, ठीक है। तो रिवरे मैंने क्या होता है, रिस्पेक्ट, तो आंसर कौन सा हो जाएगा ए, ठीक है। कंटेम्प्ट मैंने क्या होता है, निंदा करना। एंजॉय मैंने क्या होता है, आनंद। रिपीट मैंने क्या होता है, दोहराना, रिहाइड्रेट, ठीक है। तो आंसर रिस्पेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आज हम लोगों ने दो प्रैक्टिस सेट किए, ठीक है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज के लिए इतना बहुत है, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, बाय।